हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मक्के के आटे की पूड़ी जो कि बहुत ही टेस्टी है, और उसी के संग आलू की ग्रेवी वाली सब्जी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं आपके संग शेयर करूँगी मक्के की ये फूली फूली सी पूड़ी और उसी के संग बहुत ही टेस्टी सब्जी। पूड़ी और सब्जी कितनी टेस्टी है ये तो आपको रेसिपी देखने से ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है इसे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मकई का आटा लिया है, ये ग्राम में 200 ग्राम है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है, दोनों की क्वांटिटी मैंने बराबर ली है। मैंने यहाँ पे दो उबला हुआ आलू लिया है, इसे भी इसमें ग्रेट कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, इसके बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा सा हाथों पर मसल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है, धो के मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। ये मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे दो चम्मच ऑयल, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो रेडी करेंगे। आटा को आप अच्छे से मसलते हुए इसे गूंद लें। मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आटा गूंद के रेडी किया है और इसे गूंदने में एक कप पानी लगा है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। इसके बाद इसकी सब्जी की तैयारी करते हैं। पैन में ऐड करेंगे दो चम्मच वेजिटेबल्स ऑयल, हाफ चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता डाल देंगे। उसी के साथ दो लौंग, उसी के साथ दो इलायची जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है, दालचीनी, एक हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। इसमें डालेंगे हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने दो चम्मच बेसन डाला है। इसे एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। बेसन डालने से सब्जी जो है वो गाढ़ी हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। बेसन और मसाले भून चुके हैं, इसमें डाल देंगे पानी।
इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालें। यहाँ पर मैंने उबला हुआ आलू लिया है, इसे हाथों से इस तरह तोड़ के डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। इसे ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुका है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। इसे वापस से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो चुका है, सब्जी रेडी हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच घी और इसे मिक्स कर देंगे। अब फटाफट से पूड़ियों को तल लेते हैं। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के आटा को एक बार और मसल के चिकना कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आपको जैसी पसंद है, बड़ी या फिर छोटी, आप अपने उस हिसाब से बना के रेडी कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे ऑयल लगा देंगे, इसे बेल देंगे। आप ऐसे ही सभी बेल के रेडी कर लें। ऑयल गर्म हो चुका है, एक छोटी सी लोई डाल के इसमें चेक कर लेते हैं। इसे पलट देंगे। इसे निकाल देंगे और सभी पूड़ियों को इसी तरह से तल लेंगे। मक्के की पूड़ी और सब्जी रेडी है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।